शनि ग्रह को न्याय के देवता माना जाता है और वे सभी राशियों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इन्हें सबसे क्रूर ग्रहों में से एक भी माना जाता है, जो यदि किसी राशि पर दुष्प्रभाव डाल दें, तो उसका बना कार्य भी बिगड़ सकता है। शनि की चाल सबसे धीमी होती है और वे 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन समय समय पर अपनी चाल में भी परिवर्तन करते हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, कुछ पर सकारात्मक और कुछ पर नकारात्मक। अंतिम जून में शनि वक्री होने वाले हैं और इसका 3 राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं देवघर के ज्योतिषाचार्य से कि कब शनि वक्री होंगे और इसका किस राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुद्गल ने लोकल 18 को बताया कि शनि अभी अपनी स्वराशि कुंभ में विराजमान है, लेकिन 30 जून को वे वक्री हो जाएंगे। शनि के वक्री होने से राशियों और मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। जिन राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ता है, उन्हें शनि रंग से राजा बना देते हैं, जबकि जिन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आ जाती हैं। जब शनि वक्री होंगे तो 3 राशियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, मेष, तुला और कुंभ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। शनि अपनी राशि में मार्गी और वक्री होकर के चलते हैं, तो 30 जून से शनि वक्री होने जा रहे हैं। 30 जून से वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से 3 राशि वालों को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। 3 राशि वालों के लिए नकारात्मक प्रभाव शनि देगा। वो 3 राशि हैं मेष, तुला और कुंभ। ये 3 राशि वाले का समय अच्छा नहीं रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे। मेष राशि, शनि के वक्री होने से मेष राशि वालों की किस्मत अचानक बदलने वाली है। उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। शत्रु अधिक हावी होने की कोशिश करेंगे और कई क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। समय समय पर यात्रा करनी पड़ सकती है, जो नुकसानदायक हो सकती है। 3 राशि वालों का आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक क्षति होगी, दुर्घटना का भी योग बन रहा है, धन हानि होगी एवं कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है, परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं। तुला राशि, शनि के वक्री होने से तुला राशि वालों को भी दिक्कतें हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और अत्यधिक खर्च से मन परेशान रहेगा। सेहत खराब रह सकती है और कभी कभी अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। व्यापार में आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। आलस बढ़ने के कारण कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो सकेगा। छात्रों का पढ़ाई से मन हट सकता है। तो इससे बचने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान साठिका का पाठ करें, तो आपके घर में ऐसा वक्री का कुदृष्टि से आप बच सकते हैं। शनि के इस वक्री काल में सावधानी बरतें और कोशिश करें कि महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। ध्यान रखें, कठिन समय भी बीत जाता है, बस धैर्य और संयम बनाए रखें। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।